स्टूडेंट को आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 यूनिट 9 एक्सरसाइज 9.1। तो जो हमारे पास एक्सरसाइज है इसमें थर्ड क्वेश्चन है, ये एडिशन का है। हम आज एडिशन करेंगे इस क्वेश्चन में। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है उसमें सारे कॉमास की जगह हमें बस प्लस लगाना है। प्लस लगाने से पहले एक कंडीशन रहती है, कभी भी हमें प्लस लगाना हो तो जैसे कोई भी बाइनोमियल ट्राइनोमियल इक्वेशन हो तो ब्रैकेट जरूर लगाए। तो जैसे ही प्लस और माइनस के साइन लगाने हैं, ये है मैंने प्लस लगाया बी सी माइनस सी ए लिखा, प्लस लगाया सी ए माइनस ए बी लिखा। तो जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। तो ए बी से ए बी कट एक माइनस में था एक प्लस में, बीसी से बीसी कट सी ए से सी ए कट। तो हमारे पास आंसर सिर्फ जीरो बचा, आंसर हमारे पास जीरो बचा। हमारे पास इसी का नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है वह हम कर रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में लिखा है ए माइनस बी प्लस ए बी कॉमन, बी माइनस सी प्लस बी सी कॉमन है, सी माइनस ए प्लस ए सी। तो क्वेश्चन राइट कर लिया। क्वेश्चन राइट करने के बाद ए प्लस ए बी, अब ब्रैकेट जो थे वो मैंने यहां और यहां लगाए, बी माइनस सी प्लस बी सी। जो ब्रैकेट है उसका यूज ज्यादातर सब्सट्रैक्शन के केस में होता है, इसलिए हम अभी से लगा रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम के लिए रिमाइंडर है। तो ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। तो अब हम चेक करेंगे a माइनस का है a प्लस का कट गया, b माइनस का है एक प्लस का कट गया, c माइनस का है एक प्लस का ये भी कट गया। हमारे पास बचा ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। हमारे जो क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गए। तो अभी सिंपली सिंपली क्वेश्चन है, हम थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी देंगे। तो अब हमारे पास इसका जो थर्ड क्वेश्चन आता है थर्ड पार्ट वो सॉल्व कर रहा हूं मैं। हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है थर्ड के का थर्ड पार्ट मैं राइट कर रहा हूं टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड तो 2 माइनस 3 पी क्यू माइनस 3 पी क्यू प्लस 4 कॉमन एंड 5 प्लस 7 पी क्यू माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू का स्क्वायर। तो हमने क्वेश्चन राइट कर लिया, हम डायरेक्टली अब प्लस का आगे साइन लगाएंगे, 3 पी क्यू प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 पी क्यू माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, प्रीवियस क्लासेस में सभी लोगों ने पढ़ा था कि हम लाइक वेरिएबल्स इकट्ठे कर रहे हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को वैसे भी कर देता हूं, हम जो वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन हुआ है उसको कैसे भी कर सकते हैं। अगर लाइक वेरिएबल मतलब ये हुआ कि जैसे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है इसको एक साथ लेके जाना है, माइनस का तो माइनस 3 पी क्यू लिखा तो यहाँ पे प्लस 7 पी और क्यू है, प्लस का 4 प्लस का 5, तो 3 से ये सब्सट्रैक्ट किया तो माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ गया, यह किया तो 4 पी क्यू प्लस का और प्लस 9। हम सभी क्वेश्चन के आंसर्स अपनी मर्जी से उन क्वेश्चन को रीअरेंज करके निकाल सकते हैं।
जैसे हमने पहले क्वेश्चन में कोई अरेंज नहीं किया, अब जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें हमने लाइक टर्म्स एक साथ किए तब भी आंसर निकला। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो फर्दर रहता है हमारे पास वो सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट और इसका लास्ट जो पार्ट है वो मैं कर रहा हूं। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, टू एल एम टू एम एन प्लस टू एन। तो सारे के सारे कॉमन रिप्लेस कर दूंगा। दोबारा से याद रखें कि कब हमें सब्सट्रैक्शन करना हो तो हम कॉमन को रिप्लेस करते हैं और साथ में ब्रैकेट भी लगाते हैं। तो टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू एन एन। तो सारे के सारे टू टू टाइम है तो मैंने लिख लिया टू एल स्क्वायर टू एम स्क्वायर टू एन स्क्वायर टू एल एम टू एम एन और टू एन एल। हमारा आंसर एक यहां आ गया। तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। थैंक यू।